आगम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे आबाद होंगे। तो मेरा नाम वजाहत है, मेरा नाम नदीम। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल को होने वाला है। आज हम देखेंगे इस खेल का मैं पुराना खिलाड़ी हूँ रजत शर्मा। अच्छा। रजत शर्मा फनी थग लाइफ। तो भाई इस बंदे को तो जाहिर सी बात है मैं मान चुका हूँ पॉइंट मारने में, बिल्कुल सही। और अगले की मैं कहता हूँ बजा के रख देता, कोई शक नहीं। तो इस दफा बारी है जी ओवैसी साहब की। तो अब ये वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा कि ओवैसी साहब को सिर्फ किए के औरों को बीच में रगड़ा है इन्होंने। तो काउंट ऑन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। मैं तो सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूँ, मैं सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद कि सिर्फ कांग्रेस एनसीपी कामयाब हो जाए। मेरा मकसद ये है कि भाई इंसाफ हो, हिंदुस्तान की 13% जो अखिलियत है मुसलमान उनसे इंसाफ हो। आपका मकसद यह है कि कांग्रेस भी हार जाए, शिवसेना हार जाए, बीजेपी हार जाए, बस ओवैसी साहब जीत जाए। बहुत सारे भाषण मैंने आपके सुने, इंटरनेट पर बहुत सारे लोग आपके वीडियोस को पसंद करते हैं। आप जो भाषा बोलते हैं बहुत स्वीट अच्छी भाषा आप बोलते हैं। जैसे 31 मई 2014 को एक बड़े आदमी के बारे में आपने कहा वो कुत्ता है, उसकी नस्ल नहीं बोलनी चाहिए, सब कुत्ते। वो जो पब्लिक मीटिंग थी हमारी, उसमें उसके उसी दिन बेंगलुरु में 6 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें से 2 पर गोली मारी गई थी जो हैदराबाद को आ रहे थे, और उनका टारगेट पुलिस ने बताया कि शायद वो मुझे या हमारे किसी एमएलए को। तो उस पस मंजर में वो बात कही गई। अच्छा आप ऐसा करते हैं कि पब्लिक के लिए और अदालत के लिए मैं एविडेंस के तौर पर वो वीडियो सुनवा देता हूँ। जरूर जरूर जरूर। और फिर पता चलेगा कि आपने क्या कहा था और कितनी मीठी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। जरूर। ओ भाई सार सबूत भी देता है ना। ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे, तुम अल्लाह की तरफ पलटो या खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमको बड़ा सख्त ले जाएगा, इसका बहुत सख्त ले जाएगा। और अब इसी का उसकी नस्ल कुत्ते सब कुत्ते सब कुत्ते इतना सख्त ले जाएगा संभाल करता है। हैदराबाद के लोगों में जानता हूँ वो तो बड़ी डिग्निटी से बड़े स्वीट बोलते हैं। पढ़ाई भी आपकी लंदन में हुई है। अच्छा सीखा आपने? अच्छा पढ़ाई भी लंदन में की। और फिर भी ऐसी गालियां नहीं देते पॉलिटिशियंस, ऐसी गालियां नहीं देते। मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, उनसे आपकी शिकायतें हो सकती है, कोई उनसे मिलने जाए तो आप उसे हरामी कहते हैं। मतलब मोदी से जो मिलने जाता है उसको वो हरामी कहता है। वैसी मैं आपको वो भी सुनवा देता हूँ, आपको भी याद आ जाएगा किसको आपने कहा। मैं जानता हूँ फिल्म स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, मशहूर फिल्म स्टार। मशहूर फिल्म स्टार है और आपने कहा था इनको कौन पसंद आता है, वो हरामी नाचने गाने वाला एक्टर, वो पतंग फहरा रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान। वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग फहरा रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में। तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था कौन हीरो नहीं है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता। अच्छा सलमान देखो वो गए थे मोदी के पास। हाँ वो तो मिलते रहते हैं बड़े। अब बताइए जो एक्टर जिसको पूरे हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत करती है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए तो आपने इतने सारे प्यारे प्यारे जुमले ले गए। ये लोग जाकर क्या कहा मौसूफ ने? मौसूफ ने कहा कि मेरी बहन अपने आप को सेफ महसूस करती है। ये उनका आप वो बता नहीं रहे हैं। मैं पूरा बता नहीं, नहीं वो जब किस पसमंजर में वहां पर कहा कि मेरी बहन बिल्कुल सेफ है वहां पर। हम ये पूछना चाहते कि कोई फिल्म स्टार अगर पॉलिटिक्स में आएगा और पॉलिटिशियंस की ताईद करेगा तो आप वो अपने आप को नहीं समझ सकते कि नहीं मैं होली का हूं मुझे कुछ मत बोलो मैं तो एक्टर हूं। अगर आप आकर किसी पॉलिटिशियन की ताईद कर रहे हैं तो फिर वो ओपन होते हैं। और ये कहना वो तो अपनी फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास गए थे। अगर 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 वो फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए गए कितने चीफ मिनिस्टरों से मिले? सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। नहीं सर हमारे ना हमारे आंध्रा को आए ना कई रियासतों को नहीं गए। अच्छा वो फिल्म फ्लॉप हुई सुना मैं। फ्लॉप कैसे हो गई?
अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, आप वो कह रहे हैं नहीं नहीं, अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, फ्लॉप कैसा हो गई? फ्लॉप क्या उसकी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देंगे? बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि आपने लोगों से कहा कि ये फिल्म मत देखो। अरे सर, मैं कौन होता हूँ किसको बोलने वाला नहीं बोलने वाला? जमहूरियत है, आज हर चीज को कोई। इसी तकरीर में आपने आगे लोगों से ये कहा था कि इसकी फिल्म देखने मत जाओ। सर देखिए, तो इसके कहने पे कौन जाता है? लोग लोग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। गजब बेइज्जती है। 100 करोड़ कम है। और एक्टर की बात बताता हूँ, ये तो आपके हैदराबाद के चिरंजीवी, उनके बारे में आपने कहा कि अगर हैदराबाद को यूटी बनाया तो तुम्हारी टूटी तोड़ देंगे। ओ भाई, ये कैसे कैसी बातें बोलता है ओए। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे, तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। ये परमानेंट कैपिटल की बात मत करो चिरंजीवी। कोई हाल नहीं है यार, परमानेंट कैपिटल यूटी की बात मत करो। तुम बच्चे हो अभी, तुम शूटिंग करते करते कूद के वहां चले गए। आप चरमिंदा भी हल्का लगा रहा है। इतने बड़े फिल्म स्टार है वो, इतनी फॉलोइंग है उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे जिस वक्त आपने ये कहा, अच्छी बात है। देखिए, हैदराबाद के ताल्लुक से चिरंजीवी का जो मौकफ था, जिंदगी हैदराबाद में गुजारी, प्रॉपर्टीज हैदराबाद में खरीदी और नेक काम भी किए, वो ब्लड बैंक भी चलाते, थोड़ा बहुत काम भी कर दे, मगर बात ये कह रहे कि नहीं हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना दो। मैं उनसे पार्लियामेंट में एक ने 4 मरतबा मिलके बोला कि देखिए, हैदराबाद का तेलंगाना से ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी है, आंध्रा से नहीं है, ये मत करिए। तो उल्टा मुझे अच्छा। समझाने लगे, नहीं नहीं नहीं, आप हैदराबाद ले लीजिए, आप वहाँ पर असेंबली बना देंगे, आप पावर में आ जाएंगे। मतलब भैया, ये हमको इससे शौक नहीं है। ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी जो है वो हैदराबाद की तेलंगाना से, और हिस्टोरिकली ज्योग्राफिकल एरिया है। तो ये बड़ी कोशिश कर रहे थे कि रूलिंग पार्टी में थे कांग्रेस में, कि नहीं तेलंगाना दे दीजिए और हैदराबाद को यूटी बना दीजिए। कई मरतबा जाकर उनको समझाए। तो आप टूटी तोड़ देंगे? टूटी तोड़े नहीं ना सर, टूटी नहीं तोड़े सर, कहाँ तोड़े, हम तोड़ने वाले नहीं है सर, हम तो मजलूम लोग हैं। आप मजलूम लोग हैं जी सर। आपके अभी इतने सारे मैंने वर्ड सुनाए, कुत्ता, हरामी, जलील, टूटी, बिल्कुल सर मजलूम है। कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता, मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूँ। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? एक शायर ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। जैसे आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि वो कातिल हैं, वो दरिंदा हैं, इससे ज्यादा भी आपने कुछ कहा है, मैं कह नहीं सकती उनके बारे में। मैं पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर में अभी जो हमने पिछले दिनों देखा, तो मोदी जी ने वहाँ सेना लगा दी, 2100 करोड़ रुपया लगा दिया और तमाम इंतज़ाम कर दिए कि वहाँ के लोगों को बचाया जाए। तो आपने वहाँ पे क्या किया, आपने कितने करोड़ भेजे, या फिर कितने दिन आपने वहाँ पे लगाए, या फिर आपने उन लोगों की क्या मदद की जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं? जवाब दो। सही सवाल किया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग। रजत शर्मा साहब वो वीडियो नहीं दिखा रहे जहाँ पर उत्तराखंड में मैंने 1.5 करोड़ की इमदाद की। उत्तराखंड में हमारे लोग, डॉक्टर्स की टीम गए, मेडिसिन लेकर गए, दवाएं, सामान लेकर गए। सब दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी भी कुछ है? रजत भी भाई पूरा है। आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है, फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहाँ कुछ बोलना चाहिए था, या आपको उन्हें समझाना चाहिए था? मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई होती सर, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मेरे भाई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोर्ट का जो फैसला आएगा, इंतजार करिए, कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज्यादा मालूम, आप इस बात को तो मानते हैं ना? यस सर। कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। वो कोर्ट की बात नहीं कह रहे, बड़े भाई होने के नाते कान खींचना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो?
ये सवाल मैं समझता हूँ कि इनफ्रक्चुअस है, क्योंकि अब कोर्ट सवाल नहीं 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 अब इस पर तबसरा करना एक मैटर सब जुडिस है, अदालत फैसला करेगी, इंतजार करिए ना सर। मैं तो भाई का दिल क्या कहता है ये पूछना चाहता हूं। भाई का दिल क्या कहता है वो घर की बात फंस गया, जवाब नहीं है। आपके घर में भी आपके भाई हैं क्या? आप बताते लोगों को? मैं बताता, अगर मेरा भाई ऐसा करता कान खींचता। आप खींचते होंगे, आप लगता होगा। ओ भाई, मगर आपके भाई नहीं है ना पॉलिटिक्स में, आपके भाई तो नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं, वो चाहे पॉलिटिक्स में होते चाहे किसी में, मगर जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगी इंशाल्लाह। और मेरा छोटा भाई क्या, बड़ा भाई भी ऐसा कहता तो भी कान खींचता। ऐसी जबान से इस्तेमाल बंदा गंदा हो जाता है। अभी जो बंदा ना माने शर्मा जी उसको वीडियो दिखा के बता देते हैं कि ये चीज बोली है, ये चीज आपने बोली है, फिर बंदा शर्मिंदा हो जाता है। वाकई यार मैं तो झूठ भी नहीं बोल सकता कि ये वर्ड मैंने नहीं बोले। वही ना, वो तो सीधा फिर बता रहा होता है और फिर रजत शर्मा ऐसे ऐसे पॉइंट उस पे फिर मारता है कि वो भी हैरान रह जाता है कि इसने बोला क्या, उसका जवाब ही फिर नहीं होता अगले के बाद। वो बोलता है मोदी जी बात कोई मिलने जाए तो आप उसको हरामी बोलते हैं। कोई बंदा अपने काम के लिए भी जा सकता है, कोई और काम के लिए कहता है कि वो फिर फिल्म वैसी कहता है, वो फिर फिल्म फ्लॉप ही, वो कहता 100 करोड़ का तो बिजनेस किया और कैसी फ्लॉप हुई, अच्छी खासी फिल्म चली है। तो आपने बोला होगा कि लोगों ना देखो ये फिल्म। वही ना यार, आजकल कोई किसी की पापा नहीं सुनता जी, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये सब कुछ चलता है, तकरीर नहीं चलती है, सबको एक दो टूटी तोड़ देंगे, ये कोई बात करने वाली। वही ना, अच्छा कि वो एक्टर भी हैं, वो पॉलिटिशियन भी, जिनके बारे में उनकी नजर भी है, हर चीज है। हैदराबाद में उन्होंने बड़ा काम किया है ना पॉलिटिक्स में, वो तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कहता है यूटी यूटी ना करो नहीं तो हम तुम्हारी टूटी तोड़ देंगे। अबे यार आता है, कश्मीर का देखो, कश्मीर में भाई मोदी जी ने तो पता नहीं, मतलब सारा कुछ कराया आप मोदी जी। भाई यार देखो, सीधी सी बात है, पॉलिटिक्स है, ये दूसरी पार्टी का ऑपोजिशन का है तो ये बोलेगा, कांग्रेस नहीं बोलती, सारा मतलब बोलता है। और वो कहता है कि मेरा मकसद है कि सब अमन और शांति रहे, कहता है मतलब कांग्रेस ये वो जीते, वो कहता है आप ये नहीं चाहते कांग्रेस है बीजेपी जीते, आप कहते हैं वैसी जीते वैसी का राज, सारी पार्टी खत्म हार जाए, वैसी का राज भी हार जाए, बीजेपी भी हार जाए और भी पार्टी हार जाए, सिर्फ मैं हूं बस। वही ना, तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।